हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ मिथिलेश, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट गो रूटीन्स एंड गोलैंग। सो गाइस, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप गोलैंग में गो रूटीन्स को कैसे यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइस बेसिकली गो रूटीन होता क्या है? तो गो रूटीन जो होता है ना, जब तुम गो लैंग्वेज में कोई भी चीज कॉन्करेंटली करते हो, ठीक है, कॉन्करेंसी के साथ, तो तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ लाइट थ्रेडेड, जो हम थ्रेडिंग यूज करते हैं जावा में तुम बोल सकते हो, या फिर C++ में। तो तुम जब कोई भी थ्रेडिंग वाला पर्पज यूज करते हो ना, वही चीज अगर हम गो लैंग में रूटीन्स के साथ करें तो इट इज नोन एज गो रूटीन। ओके, तो हम बेसिकली जब थ्रेड बनाते हैं तो उनका एक रूटीन सेट करते हैं कि वो कैसे चलना चाहिए, ठीक है। और हम ये चीज इसलिए करते हैं ताकि चीजें तुम्हारी पैरेलली चल सके, ठीक है। तो ये जो पैरेलली तुम काम कर रहे हो ना, लाइक कॉन्करेंसी के साथ, ये जो चीज होते हैं, दैट इज नोन एज गो रूटीन इन गो लैंग, बिकॉज ये उनका एक टर्म है, ठीक है। तो जब तुम कोई भी गो रूटीन गो लैंग में बनाते हो ना, तो उसके लिए तुम्हें गो का गो कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या, देखो अब मैं तुम्हें एक फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन का नाम ले लेते हैं प्रिंट, लेगा ये पैरामीटर लेगा। ओके, तो मैं ले लेता हूँ इसका आर्ग, और इसका जो टाइप होगा दैट इज स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया मेरा फंक्शन। इस फंक्शन में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट का स्टेटमेंट डालना है, ठीक है। बट ये प्रिंट स्टेटमेंट हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम इसको डालेंगे कुछ लाइक बोल सकते हैं कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, लाइक 0 से चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? जब तक मेरे आई की वैल्यू 5 से कम हो, ठीक है। और अगर है ऐसा तो प्लीज इंक्रीमेंट माई कंडीशन, ठीक है। तो मेरा आई जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। नाउ व्हाट आई हैव टू बी डे, आई हैव टू बी इंपोर्ट माई fmt.println, ठीक है। हम न्यू लाइन पर प्रिंट करेंगे और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं कि जो भी तुमने मुझे आग दिया है तुम यहाँ पे मुझे उतने बार प्रिंट करके दो। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे, तो सेव कर लेते हैं। अब तुम देख सकते हो कि fmt अपने आप इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे सिर्फ कॉल करा दूँ प्रिंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो, ठीक है, लेट्स रन द कोड। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये हेलो है, ये 5 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यूज किया है, ये लूप के साथ ही किया है, और तुम देख सकते हो कि मैंने मेरे मेन फंक्शन में ही इसको रन कर दिया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक फंक्शन है, ये आई गेस आप सबको समझ में आएगा। मैंने बहुत एक बेसिक सा फंक्शन यहाँ पे लिखा है, जिसको मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, लाइक यू कैन से दैट मैंने इसको एक ऑग दिया है, ये आर्गुमेंट यहाँ पे आया और इसने इसको 5 टाइम प्रिंट कर दिया है, तो ये प्रॉपर चल गया। नाउ व्हाट इफ आई एम गोइंग टू बी प्रिंट समथिंग यूजिंग द गो रूटीन, ठीक है। तो देखो गो रूटीन यूज करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेसिफिक अलग करना नहीं, इसके आगे सिर्फ तुम्हें लगाना है गो, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो, अब मैं यही फंक्शन दोबारा यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं विदाउट गो के यहाँ पे एक पास करता हूँ और मैं इसको देता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है, लेट्स रन द कोड। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो गो कीवर्ड लगाया था, ये बेसिकली मैंने गो रूटीन के लिए लगाया था। बट अगर तुम देखोगे तो मेरे आउटपुट में हेलो तो आया ही नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड आया है। नाउ द रीजन इज कि जब तुम यहाँ पे रूटीन सेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गो इस चीज को एग्जीक्यूट करने तो गया बट उसने इसके लिए वेट ही नहीं किया। ये क्या किया, सीधा गया मेन फंक्शन के नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पर, उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि मुझे प्रिंट करना है, देन अगेन जाके इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और ये चीज चल गई, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे तो इसका यूज क्या, तो इसका यूज है ये इसलिए नहीं चला बिकॉज हमने यहाँ पे वेट ही नहीं किया, हमारे सिस्टम को बोला ही नहीं कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ यार ताकि मैं मेरा काम कर लूँ, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस गो रूटीन को यूज करना है मेरे प्रोग्राम में तो हाउ कैन आई यूज इट। तो देखो थ्रेडिंग में होता क्या है, जब तुम कोई थ्रेडिंग करते हो ना तो तुम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपने इस थ्रेड को सुला देते हो, ठीक है, ताकि जब तुम्हारा कोई सिस्टम थोड़ी देर के लिए सो रहा हो और तुम्हारा सीपीयू जब उस टाइम के लिए फ्री होगा तो वो अपना दूसरा काम कर ले। ओके, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस टाइम के लिए अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है जब उसको रन करूँ मैं, तो उसको मैं बोलता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू ना एक सेकंड के लिए सो जा यहाँ पे, ठीक है, तब तक मैं मेरा दूसरा काम कर लूंगा, ठीक है। तो अब देखो इस फंक्शन में होगा क्या, ये मेरा गो रूटीन है, इसमें ये प्रिंट फंक्शन में जाएगा और ये देखेगा कि यार मुझे एक सेकंड सोने के लिए बोला हुआ है, तो तुम्हारा सिस्टम यहाँ पे एक सेकंड के लिए स्लीप कर जाएगा और उस ड्यूरेशन में वो देखेगा कि मेरा कोई और भी फंक्शन है क्या, तो वो उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा, बिकॉज नाउ योर सीपीयू गेट द बैंडविड्थ, ठीक है। तो थ्रेडिंग में एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही तुम्हारा सीपीयू थोड़ा सी देर के लिए फ्री हुआ, वो देख रहा है कि उसको दूसरा टास्क एलोकेट हुआ है कि नहीं, अगर उसको दूसरा टास्क एलोकेट हुआ है तो वो फटाक से उसको पिक करता है और उसको करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो गाइस ये तो था थ्योरेटिकल, लेट्स सी इट ये प्रैक्टिकली करता है कि नहीं। सो लेट्स रन द कोड अगेन,
तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर चल गया। देखो इसने वर्ल्ड लिखा, फिर हेलो लिखा, फिर वर्ल्ड, फिर हेलो, वर्ल्ड, हेलो। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक सेकेंड के गैप में ये दोनों फंक्शन चल रहे हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, यू गाइस कैन सी ये चीज फंक्शन यहाँ पे प्रॉपर चल चुकी है। ठीक है, तो अगर इस चीज को मैं दोबारा एक बार चाहिए तो रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि ये पूरा अच्छे से दिखे। तो आप देखो यहाँ पे ये प्रॉपर चल चुका है, वर्ल्ड हेलो, वर्ल्ड हेलो, वर्ल्ड हेलो, वर्ल्ड हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जब ये गो रूटीन चला कॉन्करेंसी के साथ, जब ये कोड चला, तो इसने क्या किया, कभी इसको एग्जीक्यूट किया, कभी नीचे वाले को एग्जीक्यूट किया। मतलब ये दोनों फंक्शन सेम ही है, बट यहाँ पे जब मेरा फंक्शन रन हो रहा था तो उस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बीच में वो क्या कर रहा था, देख रहा था कि यार मुझे एक सेकंड का स्लीप दिया गया है। तो एग्जीक्यूट करने के बाद जब मेरा सिस्टम स्लीप हो रहा था, इन बिटवीन जो उसको दूसरा टास्क मैंने असाइन किया था वो उसको प्रोसेस करने चला गया था। ठीक है गाइस, सो दिस इज समथिंग नोन एज थ्रेडिंग। ठीक है, तो थ्रेडिंग में बेसिकली हम यही चीज करते हैं। गो रूटीन में थ्रेडिंग लाइट वेटेड है यहाँ पे, इसलिए इसको गो रूटीन के टर्म में देखा जाता है। और गो ने खुद का ये कीवर्ड रखा है गो, जो बेसिकली ये समझ जाता है कि ये मेरे थ्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये समझ जाता है कि इस चीज को मुझे कॉन्करेंसी के हिसाब से ही चलाना है। और गो में जब तुम कोई भी कॉन्करेंसी के हिसाब से कोड लिखना चाहोगे गो रूटीन का, तो तुम्हें उसके आगे गो का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली तुम्हें अपना एक फंक्शन लिखना होता है या फिर जो भी तुम्हें अपना काम करवाना है तुम अपने गो रूटीन से करवा सकते हो। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।